पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज करने के विरोध में आसनसोल के भगत मोड़ के पास बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल कांग्रेस सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को अविलंब वापस लेने की मांग की। पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठे मामले दर्ज करने के विरोध में मंगलवार को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के पास बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के जिलाध्यक्ष बप्पा चटर्जी व आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में काफी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस सरकार एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को अविलंब वापस लेने की मांग की गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आसनसोल के बाराबनी के गौरांडी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली में महिलाओं पर हुए कथित अत्याचार और एक टीवी चैनल के शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा विधायक अग्निमित्रा पाल के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास चल रहा है, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। आज के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा तीन जन ऐले के तरह नॉन अवेलेबल केस दिए जिज्ञेस कर केस দিয়েছে কারণ যুব মোর্চা ভারতীয় জনতা পার্টি তারা সন্দেশখালীর মা বোনকে নিয়ে তারা আন্দোলন করেছিল তিন দিন আগে। পুলিশ বলছে তারা নাকি পুলিশকে মেরেছে। আমি পুলিশকে চ্যালেঞ্জ বলছি, চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, ভিডিও দেখান, মেরেছে ভিডিও দেখান। মিথ্যে কেস আর দেওয়া যায় না। আমরা এবার কেস দেব। আজকে সন্দেশখালীতে মা বোনদের জন্য ইজ্জত লুট করা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি সব জানতেন। শেখ শাহজাহানকে এখনো ধরা হয়নি। আজকে হিন্দু মা বোনেরা প্রতিবাদ করছেন আর আমাদের অ্যারেস্ট করতে আসছেন, আমাদের নন অ্যাভেলেবল কেস দিচ্ছেন, এটা চলবে না। তাই আজকে ভগত সিং স্ট্যাচুর নিচে সমস্ত সাধারণ মানুষ, সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আজকে আমরা আন্দোলন করেছি, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা পুলিশের এই অত্যাচার মানব না। পুলিশ যদি ভেবে থাকে আমাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আমাদের ফলস কেস দিয়ে আমাদের আটকাবে, আমরা কিন্তু আটকাবো না। আমরা উল্টে পুলিশের আগেন্সে কেস করবো। মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের নন অ্যাভেলেবল কেস দেওয়া হচ্ছে কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।